अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल बटर कुकीज़, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे। ये मैंने आधा किलो बटर लिया है, मस्का लिया है मैंने, ये 250 ग्राम है। ये रूम टेम्परेचर पर है, आप देख सकते हैं कि मेल्ट हो रहा है ईजिली। ये रूम टेम्परेचर पर लिया है, आपको फ्रीज में से नहीं लेना है बिल्कुल। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो आपको मिल पाएगी। अब बटर को हम थोड़ा बीट कर लेंगे, हैंड ब्लेंडर ले लेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप विस्क की हेल्प से भी बीट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो 2-3 मिनट इसको मिक्स कर लिया है। अभी मैंने पाउडर शुगर ली है, 1 कप भरकर मैंने पाउडर शुगर ली है। थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको भी हम बीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे शुगर को और बीट करते जाएंगे। थोड़ा इसके फ्लफी होने तक हमें इसे बीट कर लेना है अच्छी तरह से। मैं बीट इसलिए कर रही हूँ बीटर से, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें आपस में, इस वजह से मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से बीट किया है। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्लफी से टेक्सचर में आ चुका है, हमने इसको बीट किया है 5 मिनट के लिए। ये देखिए अब ये थोड़ी बटर क्रीम टाइप बन चुका है, देख सकते हैं आप कि थिक हो चुका है। तो इस तरीके का होना चाहिए ये। अब हम छन्नी ले लेंगे और इसमें मैदे को छान लेंगे। ये मैंने मैदे का आटा लिया है, 2 कप है ये मैदे का आटा। और ये कॉर्नफ्लावर लिया है, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सबको हमें अच्छी तरीके से छान लेना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे इसमें। तो देखिए इसको सीफ कर लिया है मैंने, छान लिया है। अब स्पून की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं, फिर उसके बाद में मैं इसको बीट कर लूँगी। आप चाहे तो हाथों से भी इसको गूंद सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं। बीटर से इसलिए मिक्स करेंगे ताकि इसमें शुगर, वनीला एसेंस और बटर और जो फ्लोर हमने डाला है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो इसको हमें मिक्स कर लेना है। बस 2-3 मिनट मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हाथों की हेल्प से हम इसको गूंद लेंगे, डो की शक्ल में हमें गूंदना है। अच्छा, पहले मैंने आटा इसमें 1.5 कप ऐड किया था और 1/2 कप मैंने अब इसमें ऐड किया है, क्योंकि मुझे पतला लग रहा था। तो 1/2 कप मैंने इसमें और मैदे का आटा ऐड किया था, तो टोटल 2 कप इसमें मैदे का आटा लगा है। तो देखिए इस तरीके से सॉफ्ट डो की तरह हमें इसे गूंद लेना है, एकदम सख्त नहीं करना है। अब छोटा सा पार्ट उठाएंगे और इसको राउंड हम शेप दे देंगे, या आप कोई भी शेप दे सकते हो जो आपको पसंद है। तो देखिए इस तरीके से बना लेना है। ये एक बनकर रेडी हो चुका है, अब दूसरा भी इसी तरीके से बना लेंगे हम। बहुत ही इजी है, इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसको बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, 1 महीने तक भी ये अच्छे रहते हैं, बिना फ्रीज के ख़राब नहीं होते हैं। तो सारे हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। बेकिंग ट्रे को पहले ऑयल या फिर बटर से ग्रीस कर ले, उसके बाद हम कुकीज़ को उस पर रखेंगे। और सेंटर में मैंने फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का सा निशान लगा लिया है, क्योंकि हम इस पर जैम डालने वाले हैं। ये मैंने मिक्स फ्रूट जैम ली है, आप स्ट्रॉबेरी जैम भी ले सकते हैं। क्योंकि हम बेकरी स्टाइल कुकीज़ बना रहे हैं तो बेकरी में जो बटर कुकीज़ मिलती है उस पर इस तरीके की जैम भी होती है, जिससे बच्चे भी इसे शौक से खाते हैं। तो सारे इस पर जैम लगाने के बाद प्री हीट कर लिया है मैंने ओवन को 180 टेम्परेचर पर, और 180 टेम्परेचर पर हम 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे।
देखिए 25 मिनट्स बेक कर लिए हैं मैंने। अब इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। ये गर्म होते हैं तो ऊपर से हल्के हल्के सॉफ्ट होते हैं, इसलिए पूरी तरीके से ये ठंडे हो जाएंगे तो क्रिस्पी हो जाएंगे। देखिए कुकीज़ हमारी ठंडी हो चुकी है और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी भी हो चुकी है और बहुत टेस्टी बनी है। ऊपर से और बैक साइड से दोनों से अच्छी तरीके से बेक हो चुकी है। देखिए मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ कि कितनी क्रंची बनी है और बिल्कुल बटरी फ्लेवर है इसका। तो बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी ये कुकीज़ बनकर रेडी हो जाती है। आप टी टाइम पर इसको खा सकते हो, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको भी इस तरीके की बटर कुकीज़ बनानी है तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।